महू में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर लाखों अनुयायियों द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसी को लेकर प्रशासन द्वारा चारों तरफ चाक चौबंदी रहता है। इसको लेकर स्वर्ग मंदिर में भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाता है, जिसमें अनुयायियों को कोई भी समस्या ना आए भोजन के समय 40 काउंटर भोजन प्रसादी के लगाए जाएंगे। पानी और भोजन की भरपूर सुविधा रहेगी, जिसमें स्वच्छता को ध्यान में रखा जाएगा। लगभग 2 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। महू एडिशनल एसपी धर्मराज मीणा ने बताया है कि श्रद्धालुओं की ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है, उसको देखते हुए हमने 1000 पुलिस बल को बुलाया है। यह बल आज रात तक महू पहुंचेगा। उसके अलावा बम विस्फोटक व अन्य टीमों को भी बुलाया गया है। मोहन वाकोड़े, सचिन मेमोरियल सोसाइटी, बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने बताया है कि 13 तारीख को हमारे द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। शाम को 6 बजे बुद्ध वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, जिसमें कई पुरस्कार बांटे जाते हैं। उसके बाद कोटक होना भीमसेना द्वारा सलामी भी दी जाती है, आतिशबाजी की जाती है। दूसरे दिन बाबा साहेब की अस्थियों को लेकर महू नगर में भ्रमण कराया जाएगा। हमारी टीम ने जब अनुयायियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम 3 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, कई दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, और बताते बताते उनकी आंखों में आंसू भी छलक जाते हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी शासन द्वारा 2 लाख अनुयायियों के आने की संभावना है, जिसके तहत कल भोजन प्रसादी बनाने का कार्य चालू कर दिया गया था। आज से भोजन वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा समय पर, और स्वच्छता को ध्यान रखते हुए बिल्कुल साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता के अनुसार भोजन बन रहा है कि आए हुए अनुयायियों को स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन हम प्रदान कर पाएँ, ऐसी हमारी टीम की तैयारी है और हम कंप्लीट काम उस तरीके से शुरुआत करते हैं। कितने स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे 40 काउंटर हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी चल रही है। 40 काउंटरों से एक साथ भोजन प्रदाय किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं रहेगी। नाम बता दीजिए। अमित खनुजा, सतगुरु वेटर्स। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाना प्रस्तावित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसी श्रृंखला के अंदर इस बार भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चूँकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई, तो आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहते हुए यहाँ पर जो प्रोग्राम प्रस्तावित किए गए हैं वो इस प्रकार है कि 13 अप्रैल की शाम को 7 बजे यहाँ पर बुद्ध वंदना कर और 3 साल से आ रहे हैं, और यहाँ आने के बाद जो हमको पब्लिक दिखती है तो हमारा मन बहुत दुखी होता है, कभी कभी भी रोना भी आता है। लेकिन बाबा साहब जी हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए, बाबा साहब के लिए हम बहुत आभारी हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद हम बाबा साहब को नहीं भूलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर आते हैं, सब खाना पीना हमको सब मिलता है, देखने को मिलता है, और हमारा भी बहुत शांति होती है हमारे मन को। बाबा साहब के प्रति क्या आस्था है आप? बाबा साहब यही प्रकृति है कि जैसे हम लोग ऐसे हैं होना चाहिए, और जो मैं सब कुछ यहाँ पर तुमको बोल कर ऐसा कर बताए ये भूलना नहीं, हमारे जैसे जैसे हम लोग ऐसे रहते हैं ऐसे तुमने भी रहना, और सबसे अच्छा रहना, सबको ध्यान देना। नाम बता दीजिए। शांत बताइए।